देखिए मेरे साथ जो है रहीमा बेगम जो हमारे बालानगर में रहते हैं, इनकी वालदा है, ये मेरे साथ रहीमा बेगम हैं। आज से कुछ दिन पहले आप लोग जानते होंगे कि हम इनके बारे में कंप्लेंट करे थे कि सुषमा स्वराज मैडम को रहीमा बेगम और इनकी लड़की नीलोफर शेख, एक एजेंट है जो नवाब साहब कुंटे में रहता, खादर नामी एजेंट है, उन्हें आके इनको, इनसे दूर से रिश्तेदारों में भी है, उन्हें आके ये बोला कि क्योंकि इनके बेटी का तलाक हो गया था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची कहीं बाहर जाना चाह रही थी कुछ काम के लिए, तो ये एजेंट आके ये बोला कि मैं दुबई में बहुत अच्छा काम दूंगा, अम्मा और बेटी दोनों को एक ही घर में काम दूंगा, यानी तो बाजू बाजू काम दूंगा, आप दोनों जने जाना बोल के इन्हें खुद एजेंट पासपोर्ट बनाया, फादर एजेंट और बनाकर 28 तारीख के दिन 28 दिसंबर 2017 को रहीमा बी और इनकी लड़की नीलोफर शेख को दुबई को भेजा। अब दुबई में वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ की एक लेडी एजेंट है उनके हवाले कर दिए इनको, वहाँ पर दुबई में तकरीबन 10-15 दिन उसी ऑफिस में रखे बगैर किसी सहूलत के, और बेटी को जो है दुबई में किसी बड़े शेख को भेज दिए जहाँ पर वहाँ पर काम करने के लिए, और इनको वालदा को रहीमा बेगम को ओमान यानी मस्कत में ओमान में भेजा दिया। ओमान में जाने के बाद में इनको बहुत तकलीफ़ हुई, वहाँ पर पहले घर में वहाँ की ऑफिस में वहाँ पर जो एजेंट है मस्कत में उन्हें खरीदा, फिर उसके बाद में एक दूसरे घर में जहाँ पर 3 घरों में इनके साथ काम करवाया जा रहा था, फिर उसके बाद में वो वहाँ से भागे। भागने के बाद में ये बड़ी खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मस्कत में वहाँ पर एक गुजराती गैर मुस्लिम जो गुजराती हिंदू है उन्हें इनको अपने घर में 4 दिन रखा, इनको खाना पका के खिलाया, उन्हें खुद वॉचमैन है कोई बिल्डिंग में, वहाँ से उन्हें इनकी मदद किया, फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से 15 दिन रोडों पे फिरने के बाद में रहीमा बेगम जो है इंडियन एम्बेसी इन मस्कत को वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर से ये लोग कार्रवाई किए क्योंकि इन्हों वहाँ पर इलीगल थे मस्कत में, वहाँ पर इनको जेल काटना पड़ा, तकरीबन 15 दिन जेल में थे, उसके बाद से डिपोर्ट होके इंडियन एम्बेसी मस्कत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हैदराबादी खातून को आप बचा कर भेजे, और सुषमा स्वराज मैडम का भी। लेकिन इनकी दास्तान जब आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो रो पड़ेगा, किस कदर इनको टॉर्चर किया गया, किस कदर इनको इतने वाकयात पेश आने के बाद में भी रोज़ाना ख़ास तौर पर हैदराबाद से ख़वातीन जाने पर जा रहे हैं एजेंटों के बातों में आकर, और इतने वाकयात रिपोर्ट होने के बाद में भी हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जो है एजेंट्स के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हो रही, दूसरे या तीसरे दिन ये लोग बेल पे आ जा रहे हैं, और तारीख है कि हम मुसलसिल ये डिमांड कर रहे हैं कि तमाम जो भी ऐसे फेक एजेंट्स हैं इनको PD एक्ट डालकर कम से कम 2 साल जेल में डाला जाए, लेकिन हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीरियस नहीं ले रहे हैं। KT रामाराव साहब NRI मिनिस्टर, उनका डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दे रहे हैं, केस को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन ऑन एक्शन जो ग्राउंड होना चाहिए पुलिस की तरफ से ये एक्शन नहीं हो रहा है, एजेंटों के ताल्लुक से हैदराबाद में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और सुषमा स्वराज मैडम मुसलसिल ये जो फेक एजेंट्स के ऊपर है, हैदराबाद में जो वाकयात पेश आ रहे हैं आप किसी भी नाम पर बोलिए, खदामा के नाम पर बोलिए या आप चाइल्ड मैरिजेस के नाम पर बोलिए, और कई जो पढ़े लिखे बच्चों को जो धोखा दिया जा रहा है एजेंटों की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अभी भी कोई वक्त नहीं गया। आज भी अगर हैदराबाद पुलिस ये सोची कि हम इस सिस्टम को हमको रोकना चाहिए, ये जो फेक एजेंट्स का सिस्टम है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये कैंसर हो गया है सोसाइटी के लिए, कैंसर बन गया है माशरे के लिए कैंसर, और इसके अंदर 90% जो है मुसलमान इसके शिकार हो रहे हैं, एजेंटों का जो शिकार हो रहे हैं 90% मुसलमान हैं, और तकरीबन सबसे ज़्यादा केसेस पुराने शहर से हो रहे हैं। तो मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से दोबारा गुजारिश करता हूँ, ना सिर्फ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर बल्कि साइबराबाद और रच्चाकुंटा पुलिस कमिश्नर से भी मेरी गुजारिश है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मेरी गुजारिश है कि इस सोसाइटी के